नमस्कार मित्रों मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि वे कौन से ऋषि मुनि थे जो भगवान शिव को उनके लिंग उखाड़ने को बाध्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, तथा आप लोग यह भी जान पाएंगे कि शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार का प्रसंग कूर्म पुराण के 33वां अध्याय में विस्तार पूर्वक मिलता है, जिसमें ऋषियों ने सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी, इस समय आप यह बतलाएं कि भगवान गोवृष ध्वज अर्थात शिव ने दारुवन में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को क्यों मोहित किया। तब सूत जी बोले, प्राचीन काल में दारुवन में हजारों मुनिजन अपने पुत्रों तथा अपनी स्त्रियों के साथ तपस्या करते थे। कुछ समय बाद वे हर अर्थात शिव जी उन ऋषियों के महान दोष का वर्णन करते हुए दारुवन में गए। वहां पहुंचकर भगवान शिव नग्न अवस्था में होकर अपने बगल में विष्णु जी को भी खूबसूरत स्त्री के रूप में लेकर उस दारुवन में विचरण करने लगे। तब इन दोनों की माया से मोहित हो देव दारुवन की स्त्रियां अस्त व्यस्त वस्त्र तथा आभूषणों वाली ये सभी प्रतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर विलास युक्त और कामार्थ होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगी। इसके साथ ही ऋषियों के वे सभी युवा पुत्र भी काम पीड़ित होकर स्त्री रूपधारी ऋषिकेश अर्थात विष्णु के पीछे पीछे चलने लगे, और शंकर को देखकर महर्षियों की विलासनी स्त्रियां नाचने गाने लगी तथा उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी और उनका आलिंगन करने लगी। तब इस स्थिति को देखकर मुनियों को अत्यंत क्रोध हो आया और वे सब भगवान शिव को कठोर वचन कहकर नाना प्रकार के श्राप देने लगे, किंतु भगवान शिव को उनके श्राप का कोई असर नहीं हुआ। तब इस प्रकार अपनी तपस्या को निष्प्रभाव देखकर मोहित हुए वे मुनि भगवान शिव के पास जाकर उसे पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब ईश ने कहा, सुब्रतो, इस समय आप लोगों के इस स्थान में मैं पत्नी सहित तपस्या करने के लिए आया हूं। तब उनके उस वक्तव्य को सुनकर उन भृगु आदि मुनियों ने कहा, वस्त्र धारण कर भार्या यानी अपनी पत्नी का परित्याग कर तपस्या करो। मित्रों, इस बात को पहले ही बताया जा चुका है कि उस समय भगवान शिव नग्न अवस्था में स्त्री रूप में विष्णु को साथ में लेकर विचरण कर रहे थे, इसीलिए मुनियों ने शिव को वस्त्र धारण करने को कहे। तब उनके इस प्रकार कहे जाने पर ईश्वर ने हंसकर पत्नी रूपी जनार्दन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, धर्म को जानने वाले और खुद अपनी भार्या के पालन पोषण में तत्पर रहने वाले, आप लोगों ने मुझसे यह कैसे कहा कि अपनी भार्या का परित्याग कर दो। तब शिव के ऐसा कहे जाने पर ऋषियों ने कहा कि ये तुम्हारी स्त्री व्यभिचारिणी है, और शास्त्रों के अनुसार पुरुषों को ऐसी स्त्रियों का परित्याग कर देना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, विप्रो, यह कभी मन से दूसरे की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं इसका परित्याग नहीं करूंगा। तब शिव के इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी ऋषि क्रुद्ध होकर उन्हें डंडों ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। फिर नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। तब महायोगी शंकर ने उनसे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर भग के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया, पर तत्काल ही सब कुछ अदृश्य हो गया और मुनियों ने न शंकर को देखा, न केशव को और न लिंग को ही देखा, और तभी पूरे लोक में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। इससे घबराकर वे सभी ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सारे वृतांत को कह सुनाए और उनसे पूछा कि पुरुषोत्तम, वह देव पुरुष कौन थे जिनकी वजह से संसार में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव शुरू हो गए हैं। तब ब्रह्मा बोले, आह, कष्ट है कि आप लोगों का सर्वस्व नष्ट हो गया,
आपके बल को धिक्कार है, तपश्चर्या को भी धिक्कार है, क्योंकि योगी लोग जिस निधि को प्राप्त करने की नित्य अभिलाषा करते हैं उसी को प्राप्त कर आप लोगों ने उसी की उपेक्षा कर दी है। यह बहुत ही कष्ट की बात है। और यही महेश्वर प्रलय रूपी रात्रि के बीत जाने पर संपूर्ण जगत की सृष्टि की इच्छा से अज यानी बकरी की नाभि में इस सृष्टि के बीज को स्थापित करते हैं और उन अज अर्थात बकरी के रूप में मुझे ही आप लोग जाने, क्योंकि मैं ही समस्त लोकों का मूल होने के कारण महात्मा ब्रह्मा समस्त स्थूल जल का अधिष्ठाता सर्वोत्तम देव हूं और अनंत ब्रह्मांड के बीज को मेरे में स्थापित करने वाले उन परम पिता देवाधिपति महादेव हर को आप लोगों ने उनकी ही माया से मोहित होने के कारण नहीं जान सके। तब ब्रह्मा की इतनी बातें सुनने के बाद वे सभी ऋषिगण अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए बोले, हे समस्त देवों के स्वामी, उन पिनाकधारी देव का दर्शन हम लोग पुनः किस प्रकार कर पाएंगे? तब पितामह ब्रह्मा ने कहा, पृथ्वी पर गिराए गए महेश्वर के जिस लिंग को आप लोगों ने देखा था उसी लिंग के समान श्रेष्ठ लिंग बनाकर सब पत्नी तथा पुत्रों सहित आदर पूर्वक विविध वैदिक मंत्रों से ब्रह्मचर्य पूर्वक आप लोग उसकी पूजा करके उसको स्थापित करें। तब उन ऋषियों ने ब्रह्मा के कहे अनुसार वैसा ही किया। तभी से भगवान शिव के लिंग की उत्पत्ति तथा उसकी पूजा करने की परंपरा का उदय हुआ। किंतु मित्रों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम इसी के क्रम में यह बताएंगे कि ब्रह्मा जी तथा उनसे उत्पन्न ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति सहित समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति बकरी से कैसे हुई, और उसमें हम यह भी बताएंगे कि ब्राह्मण समाज का संबंध बकरी से क्या है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो मित्रों, शिवलिंग की उत्पत्ति वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।